हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक को। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट कैसे बनाते हैं। मेरे डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट कहने का मतलब है कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो बड़े साइज़ का आता है 2 से 3 इंच का, उसे कैसे बनाते हैं, उसका ड्राइवर को कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट कैसे बनाएं, इसका डिज़ाइनिंग कैसे करें। तो अगर आप लोग को डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको वीडियो पूरा समझ में आना चाहिए, तभी आप डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्किट डिज़ाइन करने से पहले थोड़ा मैं बेसिक बता देना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर का बेसिक क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके बाद हम सर्किट को बनाएंगे। तो चलिए पहले हम बेसिक देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर का कुछ बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम अगर यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन पास कराना चाहते हैं, मतलब कि करंट यहाँ से यहाँ पास कराना चाहते हैं, तो हमें यहाँ बेस में भी कुछ पावर देना होगा, बेस में कुछ वोल्टेज हमें देना होगा, तब यहाँ से यहाँ ये करंट पास होगा। तो आइए इसे सर्किट से समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक एलईडी लगाया है और यहाँ ये एक ट्रांजिस्टर है, और इसके बेस के करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ मैंने वोल्टेज दिया है मेन जो बैटरी से सेल से कनेक्ट होगा। तो अब यहाँ इसके सर्किट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से 5 वोल्ट देते हैं, तो यहाँ से एलईडी से होकर यहाँ से तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम यहाँ से बेस से कनेक्शन नहीं देंगे। जब हम यहाँ से रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बेस यहाँ बहुत कमज़ोर रहता है ट्रांजिस्टर का, इस वजह से हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। यहाँ कम वोल्टेज भी हम देंगे तो यहाँ से ये करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर काम करना शुरू कर देगा। तो ये था हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि ऊपर वाले ट्रांजिस्टर में एनपीएन में हमने ऊपर में पॉजिटिव वोल्टेज दिया कलेक्टर में और इसके बेस में पॉजिटिव वोल्टेज दिया, तब हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा। और अगर यहाँ यहाँ निगेटिव दे देते हैं दोनों में से किसी एक में या दोनों में, तो ये काम नहीं करेगा। अब आते हैं हम यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर में, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ हमें देना है कलेक्टर में देना है सिर्फ हमें पॉजिटिव और बाकी एमिटर, और बेस में हमें देना है निगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ हमने दिया था कलेक्टर और बेस में पॉजिटिव, यहाँ हमें देना है एमिटर और बेस में निगेटिव देना है, क्योंकि करंट यहाँ से कलेक्टर से फ्लो होगा और एमिटर से निकलेगा यहाँ बाहर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एरो नीचे आ रहा है और यहाँ एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पॉजिटिव कलेक्टर में पॉजिटिव देना है और बेस में पॉजिटिव देना है, तो दोनों का करंट मिलकर यहाँ से आउटपुट होता है, ये करंट का डायरेक्शन है ये टिक। और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव जो करंट फ्लो होगा कलेक्टर से यहाँ अंदर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से ये करंट यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा। तो यहाँ हमें निगेटिव देना है दोनों तरफ एमिटर और बेस में, तब जाके हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करेगा। तो आइए थोड़ा इसके सर्किट को देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा ऊपर में कि मैंने यहाँ एमीटर में माइनस कनेक्ट किया है और कलेक्टर में प्लस, लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट नीचे पीएनपी में हो गया। यहाँ हमने इसके कलेक्टर में प्लस एलईडी कनेक्ट किया है और माइनस इसका बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया है, और एमीटर में यहाँ मैंने प्लस वोल्टेज दिया है और बेस में एक रेजिस्टेंस लगा कर इसके माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसे काम करेगा? यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से आउटपुट इधर आएगा पॉजिटिव वोल्टेज, और कुछ डिक्रीज होके इधर आएगा, यहाँ से दोनों मिलके अलग होके यहाँ से माइनस से फिर से यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर काम करता है। तो चलिए अब इसके सर्किट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा सा डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले इतना बड़ा है कि ये एक छोटे से माइक्रो कंट्रोलर से नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना आउटपुट देता नहीं और ये डिस्प्ले चलेगा नहीं, तो इसलिए हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये सर्किट इस वीडियो में ये सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हमें डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ मैंने ये मेरा एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और ये है ड्राइवर सर्किट।
तो ये काम कैसे करेगा? मैंने पहले ही बताया था यहाँ हम लो पावर यानी लो वोल्टेज भी देंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने लो पावर यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से देना है और यहाँ से हमें 5 वोल्ट आउटपुट देकर यहाँ ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है। तो यहाँ से ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ लगाया है। तो इससे ये जब यहाँ से इंस्ट्रक्शन ये जो भी आउटपुट बाहर आएगा तो ये ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा तो डिस्प्ले इसके साथ ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर कैसे काम करता है। तो चलिए आगे इसके डिस्प्ले को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इस ब्रेडबोर्ड पर डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट बनाने के लिए कुछ ट्रांजिस्टर लगाया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं BD140 ट्रांजिस्टर का मैंने कैथोड को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया है और 2N2222 मैंने एनोड को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया है। तो चलिए हम इस डायग्राम को थोड़ा अपने बुक्स में देखते हैं कि उसमें कैसे ये डायग्राम डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बुक में ये सर्किट कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो यह है हमारा माइक्रो कंट्रोलर और ये इससे अटैच हुआ हुआ है कैथोड ड्राइवर। जो कि यहाँ मैंने सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाया है और इसका एनोड ड्राइवर यहाँ से अटैच है। तो आइए इस सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर बिल्ड करते हैं। यहाँ मैंने सारे ट्रांजिस्टर के सभी बेस पिन में मैंने 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया है ताकि हमारा ट्रांजिस्टर फ्यूज़ ना हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले ड्राइवर सर्किट रेडी हो चुका है।